हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल मम्मी की टेस्टी रसोई में स्वागत है। आज हम बनाएंगे फ्रेंड्स बेसन टमाटर सेव। बहुत टेस्टी और एकदम कुरकुरी बनती है फ्रेंड्स ये हमारी सेव। वीडियो को पूरी देखिएगा, पसंद आए तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नई वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। तो चलिए फ्रेंड्स बेसन टमाटर सेव बनाना स्टार्ट करते हैं। बेसन टमाटर सेव बनाने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स हम एक बाउल लेंगे। बाउल में मैं एक स्ट्रेनर रखूँगी और अब मैं इसमें फ्रेंड्स 2 कप बेसन लूँगी। फ्रेंड्स हमें सेव बनाने के लिए जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेने हैं वो सब छान कर लेने हैं। बेसन को फ्रेंड्स हम अब बिल्कुल अच्छी तरह से छान लेंगे। बेसन हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से छन गया है। मैंने 2 कप बेसन लिया है, 1/2 कप चावल का आटा, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग। अब इन सभी चीजों को भी बिल्कुल अच्छी तरह से हम छान लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा कुछ इस तरह के पार्ट्स बच गए हैं, इसे अब हम अलग रख देते हैं। मैं इसमें फ्रेंड्स 1/2 टीस्पून अजवाइन ऐड करूंगी। अजवाइन को इस तरह से अपने हाथ पर रखिए और इसे क्रश कर लीजिए और इसे इसमें मिला देंगे। साथ ही साथ फ्रेंड मैं इसमें ऐड करूंगी 2 बड़े चम्मच ऑयल, 2 बड़े चम्मच तेल। आप तेल की जगह फ्रेंड्स यहाँ पर बटर भी यूज कर सकते हैं। अब हमें बिल्कुल अच्छी तरह से सभी चीजों को मिला लेना है। देखिए सभी चीजें बिल्कुल अच्छी तरह से मिल गई है। अब हम दोबारे से इसके ऊपर स्ट्रेनर रखेंगे। मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, जिसकी फ्रेंड्स मैंने इस तरह से प्यूरी रेडी कर ली है। अब इसे भी फ्रेंड्स हम अच्छी तरह से छान लेंगे। फ्रेंड्स अब आपको जो ये बचा हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है इसे हम अलग रख देंगे, ये हमें यूज नहीं करना है। अब हम टमाटर को भी बिल्कुल अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसका एक बिल्कुल सॉफ्ट डो रेडी करेंगे। हमें फ्रेंड्स इसका बिल्कुल एकदम सॉफ्ट डो लगाना है। फ्रेंड्स जब हम बेसन का डो रेडी करते हैं तो ये हमारे हाथ पर बहुत ज़्यादा चिपकता है, इससे बचने के लिए फ्रेंड्स आप अपने हैंड्स पर थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए जिससे कि बेसन ना चिपके। फ्रेंड्स मैंने आपको जितनी क्वांटिटी बताई है बेसन की उसके अंदर फ्रेंड्स मेरा बिल्कुल भी पानी यूज़ नहीं हुआ है। ये फ्रेंड्स आपके टमाटर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी टोमेटो प्यूरी किस तरह की है, इसलिए फ्रेंड्स अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप बिल्कुल थोड़ा सा पानी अपना डो बनाने के लिए ले सकते हैं। मुझे इसमें पानी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। अब हम फ्रेंड्स इसे 10 मिनट के लिए रख देते हैं। हम अपनी बेसन टमाटर सेव फ्रेंड्स सेव मेकर में बनाएंगे। ये मेरे पास सेव मेकर है, इसके लिए फ्रेंड्स मैं ये वाली जाली यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह की जाली यूज़ करी है मैंने। अब हमें फ्रेंड्स अपनी पूरी सेव मशीन को बिल्कुल अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस करना है। फ्रेंड्स मैं एक ब्रश की हेल्प से बिल्कुल अच्छी तरह से इसके अंदर ऑयल लगा लूंगी। ये फ्रेंड्स हमारी जो जाली है इसे भी हम ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं और यहाँ से भी। अब हम फ्रेंड्स अपने मोल्ड को फिक्स करते हैं, इस तरह से इसमें लगाइए। 10 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स, आइए डो चेक करते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारा डो बिल्कुल एकदम सॉफ्ट बना है, इसे एक बार और अच्छी तरह से हम मसल लेंगे। देखिए हमारा डो बिल्कुल रेडी है सेव बनाने के लिए। इसे फ्रेंड्स हम इस तरह से थोड़ा सा डिवाइड कर लेंगे 4 पार्ट्स में और अब इसे बिल्कुल
इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप देंगे, जिससे कि हमारी सेव मेकर में बिल्कुल आसानी से आ जाए। मोल्ड को फ्रेंड्स हम अब बिल्कुल अच्छी तरह से फिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, अब फ्रेंड्स हमारी सेव बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। आइए सेव बनाना स्टार्ट करते हैं। के लिए फ्रेंड्स मैंने तेल को पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। तेल हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म है, मैंने इसे पहले हाई फ्लेम पर गर्म किया है। हम जो अपनी सेव बनाएंगे फ्रेंड्स मीडियम फ्लेम पर बनाएंगे। पहले आप तेल को बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए और जब आप इसके अंदर सेव डालेंगे उस टाइम आप फ्लेम को मीडियम कर लीजिए। आइए सेव बनाना स्टार्ट करते हैं। अब इसे फ्रेंड्स एक बार हम टर्न कर लेंगे। दोनों तरफ से बिल्कुल अच्छी तरह से हमें इसे सेक लेना है। नमकीन बिल्कुल अच्छी तरह से सिक गई है और ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। इसके ऊपर फ्रेंड्स मैं थोड़ी सी करी लीव्स डाल देती हूँ। करी लीव्स का फ्लेवर फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लगता है नमकीन में। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी सेव बनकर रेडी हुई है। इसे एक प्लेट पर निकाल लेते हैं। इसी तरह से एक बार और बनाते हैं। दूसरे बैच की भी फ्रेंड्स हमारी नमकीन बिल्कुल रेडी है। इसे भी एक प्लेट पर निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारी सेव बनकर बिल्कुल रेडी है। मैंने सारी सेव रेडी कर ली है और ये देखिए कितनी अच्छी हमारी सेव बनी है। अब हम फ्रेंड्स इसे इस तरह से तोड़ लेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारी बेसन टमाटर सेव बनकर बिल्कुल रेडी है। बहुत इजी है फ्रेंड्स इसे बनाना, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।